नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। बलरामपुर में एक दिवसीय दौरे पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने कटान निरोधक परियोजना का निरीक्षण किया और बताया कि जिले में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो बाढ़ के पानी से बिल्कुल घिर जाते हैं और पानी में फंसे गाँव वालों को निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, इसलिए कटान निरोधक परियोजना की शुरुआत की जा रही है। इसी के साथ जल शक्ति मंत्री ने कहा कि कार्यदायी संस्था को कार्य को ठीक ढंग से करने का भी निर्देश दिया गया है और आने वाले दिनों में बाढ़ के पानी से लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसी घर का नुकसान ना हो, किसी का हानि ना हो, नहीं तो सपा बसपा में तो मंत्री साल दो साल मौज करते हैं। यहाँ तो सरकार बनते ही जनता की सेवा करना और जनता को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हम लोग जहाँ जहाँ साइड है उस स्थल तक हम लोग जा रहे हैं। स्थलीय निरीक्षण करने क्या प्रगति है, हमें लगता है सभी काम 15 जून तक पूर्ण हो जाएंगे और गांव बच जाएगा, बहुत से गांव बच जाएंगे और जो यहां पर गांव वाले बताए हैं उनकी भी समस्या का समाधान शीघ्र करूंगा और ये समस्या का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा शासनकाल के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष में स्थानीय भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जनपद मुख्यालय पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद जगदम्बिका पाल ने पिछले 8 साल में केंद्र सरकार में मोदी सरकार द्वारा किए गए जनहित और लोक कल्याणकारी कार्यों का बखान किया। सांसद जगदम्बिका पाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों, गरीबों, युवाओं सहित समाज के हर तबके के लिए और हर क्षेत्र में काम किया है। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण गरीबों को इस सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3,25,00,000 पक्के आवास भी दिए गए हैं। जो देश की आजादी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने सपना देखा था कि देश अगर आजाद होगा तो सभी के पास घर होगा, सभी के पास पक्की छत होगी, सबके घर में टॉयलेट होगा, सबके घर में क्लीन एनर्जी का गैस का चूल्हा होगा, बिजली का कनेक्शन होगा। आज देश की आज़ादी के बाद से बुनियादी तौर से जब नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया प्रधानमंत्री के रूप में, 18,000 गांव विद्युतीकरण से वंचित थे। उन्होंने संकल्प लिया लाल किले से कि हम देश के, चाहे वो माना हो उत्तराखंड का, चाहे नॉर्थ ईस्ट का कोई गाँव हो, हम 18,000 गांव को विद्युतीकरण से। भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम ने प्रेस वार्ता की और भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जो वायदे जनता से किए थे वो वायदे अधिकतम पूरे हो चुके हैं। हमारे देश का पैसा, तिरंगा वहाँ का, संविधान अलग, झंडा अलग, ये कैसे पॉसिबल है? मैं तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई जिन्होंने कश्मीर को आज़ादी करने का काम किया और आज जो केजरीवाल जी कह रहे हैं वो पहले पंजाब को सुधार लें। पंजाब के अंदर दिन दहाड़े एक गायक की हत्या कर दी जाती है, वो तो संभाल नहीं पाते, किसकी बात कर रहे हैं। लोगों को कहने से पहले अपने गले वाल में झांकना चाहिए। वहाँ पर जिस तरह से आज अब अमरनाथ यात्रा आ रही है, आज इतनी 370-375 हटी बताइए। आगरा का सबसे बड़ा क्रिकेट सट्टे का बुकी अंकुश मंगल अब पुलिस हिरासत में है। अंकुश मंगल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी हाल ही में पुलिस ने उसके गैंग के खिलाफ न्यू आगरा थाने में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा लिखा था। गिरफ्तारी की कमान खुद एसपी सिंह विकास कुमार और सीओ हरिपर्वत
एएसपी सत्य नारायण ने संभाली। आपको बता दें कि अंकुश मंगल के खिलाफ पिछले 4 साल में कई मुकदमे लिखे गए थे। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश तो बहुत बार दी थी, मगर कभी पुलिस को सफलता नहीं मिली थी। ऐसा कहा जाता है कि अंकुश मामूली बुकी नहीं है, प्रदेश के दूसरे जनपदों में भी उसके गिरगे सट्टेबाजी का कारोबार चलाते हैं। आगरा शहर की पुलिस ने एएसपी हरिपर्वत और एसपी सिटी के निर्देशन में जो टीम है कमला नगर की और पूरे शहर की जो टीम है उसके द्वारा आज एक बड़ा सटोरिया और बुकी गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम अंकुश मंगल है। ये काफ़ी समय से यहाँ से फरार था और इस पर 2022 में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। उससे पहले भी 2010 में भी मथुरा के भगवान श्री कृष्ण मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद का केंद्र बिंदु अब आगरा की जामा मस्जिद बन गया है। आपको बता दें कि अधिवक्ता महेंद्र प्रताप को लेकर आईएलए अध्यक्ष जाहिर कुरैशी ने एक बयान जारी किया था, जिसके बाद आगरा के एसएसपी ने जाहिर कुरैशी पर मुकदमा दर्ज किया था। वह अब इस मामले को शांत कराने के लिए आईएलए अध्यक्ष जाहिर कुरैशी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए प्रदेशवासियों को संयम बरतने की अपील भी की। एक ही अपील करना चाहेंगे, महेंद्र प्रताप जैसे जितने भी ऐसे लोग हैं जो ऐसी भावनाओं को भड़का रहे हैं, जो भी हैं ऐसे, वो 0.% भी नहीं होंगे पूरे उत्तर प्रदेश में या इंडिया में, उन लोगों को पहले ही हल्के हल्के गिरफ्तार करके रट्टा खत्म करें। जिसके मुसलमान उस वक्त में जो हालात थे उसको रहते हुए ये बात करी थी। अगर आपको लगता है कि वो गलत करी है, आप गुरुद्वारा की बात कह रहे हैं, क्रिश्चियन की बात कर रहे हैं, ऑडियो में गुरुद्वारा की भी बात कह रहे हैं, गुरुद्वारा जाए। मैंने ये कहा कि सिर्फ मस्जिद ही रह गई है, गुरुद्वारे नहीं रह गए, चर्च नहीं रह गए, बुद्धिस्ट नहीं रह गए, पारसियों का नहीं रह गया, सिर्फ मुसलमान। अलीगढ़ के अकराबाद क्षेत्र अंतर्गत गांव टुआमई में दबंगों की दबंगई देखने को मिली। इस दौरान दबंगों की दहशत के चलते कई परिवार पलायन करने को मजबूर है। वही अब लोगों ने प्रदर्शन करते हुए हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर पलायन करने की बात कही है। वही इस मामले पर ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान के साथ हुए गोलीकांड के बाद बदमाश हर दिन गाँव में आते हैं और धमकियां देते हैं, जिस वजह से कई परिवार अब पलायन करने को मजबूर नजर आ रहे हैं। मेरे साथ मामला हुआ है, मैं अकराबाद से आ रहा था बाज़ार से, रास्ते में आते समय कुछ दबंग लोगों ने साजिश के साथ मारने की कोशिश की, उन्होंने फायरिंग की मेरे ऊपर, पहले एक गोली मारी, मैं बच के वहाँ से भागा हूँ, फिर उन्होंने दूसरी फायरिंग की है मेरे ऊपर रास्ते में। इतनी देर में 100 मीटर की दूरी पर था मैं थाने से, मैं भाग के थाने पहुँचा हूँ अपनी बाइक को वहीं पर फेंक के, इन लोगों ने मेरा पीछा किया है और कुछ गांव के दबंग लोगों की साजिश भी है इन लोगों के साथ। अच्छा, आगे पुलिस क्या कर रही है? पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और नहीं किसी को गिरफ्तार किया, अभी 3 दिन हो गए आज। पलायन के लिए तो वो परेशान है, पीड़ित है वो। हरदोई के बघौली थाना क्षेत्र में महिला ने एक तथाकथित पत्रकार पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है, जिसके बाद थाने अध्यक्ष हरिश्याम वाजपेयी नाम के पत्रकार को पुलिस पकड़कर थाने ले गई, जहां पुलिस ने युवक से पूछताछ की तो युवक ने खुद को प्रेस क्लब का अध्यक्ष बताया है। पत्रकार को जब गिरफ्तार किया और पूछताछ करने के दौरान उस युवक ने बताया कि वो प्रेस क्लब का अध्यक्ष है। अलीगढ़ में तेज गर्मी के चलते जेल प्रशासन ने सराहनीय पहल देखने को मिली। जेल प्रशासन ने राहगीरों और मुलाकातियों के लिए वाटर फ्रिज लगवाया। जानकारी देते हुए जेलर पीके सिंह ने बताया कि भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में चंद समय में लोगों को प्यास लगने लग जाती है। जेल में मुलाकाती दूर दराज से आते हैं, ऐसे में पानी नहीं मिलने से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये वाटर कूलर जो है हमारी जेल की तरफ से लगवाया गया है,
एक एम फाउंडेशन जो है एक वाटर कूलर दिए थे जिसको जेल के अंदर लगवा दिया गया, इसमें कुछ दिक्कत थी, इसको रिपेयर करा के ठीक ढंग से बाहर लगवाया गया है। ऑलरेडी एक वाटर कूलर लगा हुआ था जो अंदर के साइड था, वो मुलाकात की परेशानियों को देखते हुए गर्मी का मौसम है, हालांकि हम लोगों ने घड़े की व्यवस्था कराई है, फिर भी संख्या ज़्यादा थी तो घड़े उतने समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा, इसलिए वो वाटर कूलर लगवा करके जो मुलाकाती हैं या बाहर जाते हैं वो अपना ठंडा पानी पी सकते हैं। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने वहाँ शाहजहांपुर में एक तरफा कार्रवाई से नाराज सपाइयों ने जिलाध्यक्ष के साथ रोजा थाने के गेट पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने कहा कि हमारे ही कार्यकर्ता मंगल सिंह को शनिवार को 5 भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट कर अपमानित किया गया। उन्होंने कहा इसकी सूचना सपा कार्यकर्ता मंगल सिंह ने फोन पर उनको दी, तब वो लखनऊ पार्टी कार्यालय में मीटिंग कर रहे थे। उन्होंने फोन पर ही रोजा पुलिस इंस्पेक्टर से बात कर पीड़ित मंगल सिंह को इंसाफ दिलाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उसके बाद पीड़ित से उन्होंने बाद में पता किया कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की, लेकिन आरोप लग रहा है कि पुलिस ने मामले में अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, इसलिए वो थाने के गेट पर अब प्रदर्शन करने को मजबूर है। तो इसी से दोष साबित हो गया, अगर यही था तो एक ही गांव के दोनों पार्टियां थी, दोनों पार्टियां अगर रात के 12 बजे मंगल सिंह को लाया गया तो दूसरी पार्टी को भी लाया जाता। तो अब जब पता चला कि धरना प्रदर्शन पार्टी कर रही है तो लाया गया पार्टी को, दूसरी पार्टी को, तो अब दूसरी पार्टी कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे और उसको अब कह रहे हैं, तो ये सब जो है ये बिल्कुल जो है बिल्कुल हीला हवाले में डाल, इसी तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, इसी तरह से उसको पीटा गया और पुलिस ने भी उल्टा यूज किया, कल को वो चला जाए और उसके बाद फिर चला जाए, फिर उसको मारे पीटे, कोई हत्या कर दे उसकी, वो बीमार भी चल रहा है, उसकी हत्या हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं और इस तरह से पुलिस का तांडव, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ मंत्री हैं जिन्हें उनके दबाव में ये सब चल रहा है, और ये खास तौर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का इसलिए उत्पीड़न हो रहा है कि लोकसभा स्थानीय निकाय के चुनाव करीब हैं, उनके मनोबल तोड़ने की साजिश हो रही है, लेकिन हम लोग किसी कीमत भी अपने कार्यकर्ता को इंसाफ दिलाने के लिए हर स्तर तक जाएंगे और पुलिस द्वारा जो उत्पीड़न किया जा रहा है पार्टी कार्यकर्ताओं को, इसको बदायूं में कुछ दिन पहले हुई लूट की घटनाओं का खुलासा करते हुए एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई से थाना अलापुर और बदायूं पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस दौरान पुलिस ने ककराला में 68,000 और अलापुर में 49,000 की हुई लूट का खुलासा करते हुए दो शातिर अनपदीय लुटेरों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 80,000 रुपए, 2 मोटरसाइकिल, 2 तमंचा और 4 कारतूस बरामद किए हैं। बदायूं में विभिन्न तिथियों में थाना सिविल लाइन्स और थाना आलापुर और उसावा के अंतर्गत लूट हुई थी, लूट की घटनाएं हुई थी, जिसमें हमारी जो एसओजी की टीम है और उन तीनों थानों की टीमें लगी हुई थी, और एसओजी टीम ने इसमें पतारसी सुराग रसी करके इस गैंग को क्रैक किया इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से, और इनकी गिरफ्तारी की गई है जयवीर और आशाराम दो। मुरादाबाद में पुलिस ने टॉप 10 अपराधी में शामिल एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हुए अपराधी पर जनपद में कई थानों में मामले दर्ज है, फिलहाल पुलिस ने शातिर के खिलाफ एक्शन लेते हुए उसे जेल भेज दिया है। जैसा आप सब लोग भी देख रहे हैं, हम लोग ने टॉप 10 अपराधी उज्जवल आईडी चिन्हित किए हैं और इस टीम के अपराधियों की धरपकड़ निरंतर की जा रही है। इसके साथ ही सिविलाइज थाना क्षेत्र में जो बहादुर कॉलोनी है जिसको आदर्श नगर कहा जाता है, उसके विरुद्ध भी हमने एक अभियान चलाया हुआ है कि वहाँ पर आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाएँ और लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करें, और दोनों उनके तारतम्य में एक टॉप 10 अपराधी जिसका नाम सूरज है वो आज गिरफ्तार किया गया है, जिसका आपराधिक इतिहास है, पूर्व से कई बार ये जेल जा चुका है। जैसा आप सब लोग
हापुड़ पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में शाहजहांपुर के 10 मजदूरों की मौत हो गई। इन मजदूरों की मौत से शाहजहांपुर जिले के भंडेरी गांव में मातम का माहौल है। गांव में मजदूरों के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। वहीं परिजनों ने बताया कि अभी तक 10 मजदूरों की मौत की खबर आई है, बाकी मजदूरों के घायल होने की सूचना है। गांव वालों ने बताया कि हादसे में शिकार हुए 9 मजदूर एक ही परिवार के थे और जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी गांव में परिजनों का हाल चाल लेने नहीं पहुंचा, ना ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ने हाल जानने की कोशिश की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।